हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन रैंकिंग का है। इसमें कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8वां और बाएँ सिरे से 13वां है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है गीता और इधर मान लेते हैं हो गया सीता, ठीक है, सीता, ठीक है। सीता का रैंक कितना है, 8। ये राइट हो गया यानी कि दाहिना हो गया, दाया, और इधर हो गया बाया, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। और इधर से कितना है, गीता का पोजीशन 13 है। ये क्या करता है, दोनों आपस में पोजीशन को बदल लेता है, गीता इधर चली जाती है और सीता इधर आ जाती है। और पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद क्या कर रही है कि गीता बाएं सिरे से 21वां स्थान पर आ जाती है। तो गीता मेरा यहाँ चली जाता है, ठीक है, और सीता मेरा यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो गीता जो है बाएं सिरे से जो है कितना हो जाता है, 21वां आ जाता है, ठीक है। बाएं सिरे से इसका रैंक कितना हो जाता है, 21 आ जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये जो सीता आया ये दाहिने से कितना स्थान हुआ, ये हमको निकालना है कि सीता जो है दाएँ से कितना रैंक पर है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि किसी एक को लेके चलेंगे, सीता या गीता में से लेके चलेंगे। तो गीता का चुके एक्सचेंज करने के बाद दिया गया है, तो ये पोजीशन चुके सीता का पोजीशन जो पहले था और गीता का पोजीशन जो अभी है वो क्या है, सेम है, ठीक है, यही पोजीशन है। तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितना है, यहाँ से इस पोजिशन तक और यहाँ से, तो टोटल मेरा निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड से लेके इस एंड तक कितना है, लेफ़्ट टू राइट एंड में कितना, ये निकल जाएगा। क्या करना होगा कि गीता का 21 है और सीता का यहाँ से क्या है, 8 है, दोनों का पोजीशन सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 21 + 8 तो कितना हो गया, 29 हो गया। लेकिन चूँकि इसको यहाँ से इसको भी ऐड कर लिया और यहाँ से इस पोजीशन, यानी ये पोजीशन जो है दो बार मेरा ऐड हो गया, तो हमको क्या करना होगा, इसमें 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, 28 हो गया। तो ये तो चूँकि टोटल नंबर निकल गया, हमको निकालना है सीता का एक्सट्रीम लेफ्ट से कितना है। मान लेते हैं सीता का जो है यहाँ से कितना है, सीता का मेरे इधर से कितना है, ये हमको निकालना है। तो चूँकि सीता का पोजीशन और पहले गीता का पोजीशन सेम है, चूँकि हमको टोटल कैंडिडेट पता है यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो 28 में जो है अगर हम 13 माइनस करेंगे तो यही पोजिशन बचेगा, ठीक है, ये पोजिशन बचेगा, चूँकि टोटल 28 है और यहाँ तक जो है कितना है, 13 है, तो ये तो 13 माइनस कर देंगे तो जो बच गया रिमेनिंग, यानी सीता यहाँ जो रिमेनिंग बच गया ये सीता का पोजीशन हो गया। तो क्या करेंगे हम सीता के पोजीशन के लिए, 28 में हमको 13 पहले माइनस करना होगा, तो ये कितना हो गया, 15, ठीक है, ठीक है, 15 हो गया। चूँकि हमको सीता और गीता का पोजीशन सेम है, तो चूँकि ये हम जब 13 ले रहे हैं तो ये पोजीशन तो माइनस कर दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ से ये पोजीशन भी चाहिए, ठीक है, ये हम माइनस कर दिए लेकिन हमको ये पोजीशन चाहिए, इसलिए इसको रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 16th पोजीशन, ठीक है। तो 16 मेरा आंसर हो गया, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से बताएँ, सेकेंड मेथड से, तो मान लेते हैं यहाँ से जो है गीता का पोजीशन दिया गया था कितना, 13 दिया गया था, और सीता का पोजीशन जो दिया गया था ये दाहिने से यानी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से था यानी कि बाएं से था, और ये दाहिना साइड से था, राइट साइड से था, ठीक है, दाहिना राइट साइड से था, कितना, 8 था, ठीक है। और जब पोजीशन एक्सचेंज कर लिया, यहाँ गीता आ गई यहाँ सीता आ गई, तो यहाँ से फिर इसका पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से गीता का पोजीशन कितना है, 13 था, ठीक, 21 था, ठीक है, यहाँ से जो है 21 गीता का, और यहाँ से तो हमको क्या निकालना है, इस सीता का पोजीशन जो है इधर से निकालना था, ठीक है, सीता का पोजीशन जो है इधर से निकालना था दाहिने से। अब तो यहाँ तक मेरा मान लेते हैं 8 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना, 21 आदमी बैठा हुआ है, यानी 21वें स्थान पर गीता बैठी हुई है एक्सचेंज के बाद, और इसी पोजीशन पे जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 13 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब ये 13 हो गया यहाँ से यहाँ तक, 13 ये है तो ये तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो ये यहाँ पर जितना आदमी होगा उसके नीचे भी यहाँ तक सेम आदमी होगा इस पोजिशन तक, 13 यहाँ हो गया, तो चूँकि टोटल 21 है यहाँ 13 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है।
तो अब यहीं तक हमको निकालना था, ये 8 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन को छोड़कर मेरा 8 इसके 13 तो यहाँ तक था ना, इस पोजीशन को लेके और इसके आगे कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ 8 व्यक्ति हो गए, यहाँ 8 व्यक्ति हो गए, 8 प्लस हो गया 8 कितना हो गया 16, 16th पोजीशन सेम हो गया, फिर भी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। और यहाँ ये कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ से भी 8 हो गया और यहाँ से भी, इसको इसलिए हम नहीं माने क्योंकि यहाँ दो बार रिपीट इसलिए किए क्योंकि ये पोजीशन हमको यहाँ से यहाँ तक तो जानना था ना, ठीक है। ये जो 13 था, 13 यहाँ तक आ गया है, उसके आगे 8 था, ठीक है। 8 और 8 16, मान लेते हैं अगर इसको रिपीट करके माइनस 1 कर दिए तो 15, लेकिन इसको भी ऐड करना होता, एक हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब एक ऐड कर दिए तो मेरा कितना हो गया, 16। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 8 हो गया और प्लस 8 हो गया, और चूंकि दो बार एक ही पोजीशन को रिपीट कर दी, यहाँ से भी ये 8वां हो गया, यहाँ से भी 8वां हो गया, हमको एक ही बार ये पोजीशन को एक ही बार ना लेना है, तो हम यहाँ माइनस 1 कर दिए, ठीक है। जब माइनस 1 कर दिए और इसको भी तो ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 13 है, इसके नेक्स्ट में हम इसको कंसिडर नहीं किए। जब 13 यहाँ से यहाँ तक ये पोजीशन हो गया और उसके बाद 8 आदमी हो गया, लेकिन हमको यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक करना होगा तो ये तो 15 हो गया इसके, इसको छोड़ के, ठीक है। तो क्या किए, यहाँ से यहाँ तक 8 जोड़ लिए और यहाँ 8 ऐड कर दिए, चूँकि इस पोजीशन को इधर से भी ऐड कर लिए, इससे इधर तो दो बार मेरा ऐड हो गया, इसने एक माइनस कर दिए, चूँकि ये जो 13 है इस पोजीशन तक है उसका 8 में ये नहीं कंसिडर हो रहा है, लेकिन हमको इस पोजीशन को राइट से निकालना है इसलिए इसमें ऐड कर दिए, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो इसलिए 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं तरफ एक्स आकृति को घन की आकृति को मोड़ा जाता है, ठीक है। विकल्प ए बी सी डी में उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो। तो यहाँ मेरा जो दिया गया है, यहाँ मेरा इस तरह से स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और इसमें है 4 कट्स हैं, ठीक है। ये है सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है। और इसके पैरेलल में एक है ई हो गया, और इधर से क्या है, एक यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, इधर से एक है, ठीक है, इसमें एक है, सेकंड वाले में ए है। तो ये चुके क्या है, आकृति है, और इस डाइस का आकृति है, और इस डाइस की आकृति में एक बात याद रखना है कि ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो, अगल बगल वाला कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा, जैसे सी और बी कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, सी और बी, बी और डी जो है कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो अगल बगल वाला जो है, यानी सी के बगल में कौन है, सी और बी, सी और बी कभी एक दूसरे का जो है अपोजिट नहीं होगा, बी और डी भी आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, डी और एफ आपस में एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो सी एक को छोड़कर एक, जैसे सी और डी आपस में अपोजिट हो सकते हैं, बी और डी आपस में, बी और एफ आपस में अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। ए और एफ, ई जो है आपस में अपोजिट हो सकते हैं, ए और ई जो है आपस में क्या होगा, अपोजिट हो सकता है। यहाँ देखो ये जो है, ये चारों लगातार हैं, ठीक है, तो सी और डी आपस में अपोजिट है, अगल बगल वाला कभी भी अपोजिट नहीं होगा, सी के अपोजिट डी होगा, बी के अपोजिट ई होगा, और ये इस साइड निकला हुआ है और ये इधर निकला हुआ है, तो ए जो है ई के अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और अपोजिट वाला एक बात याद रखना है कि जो भी अपोजिट है, ठीक है, जो भी अपोजिट है, ठीक है, जो भी अपोजिट है वर्ड्स, ठीक है, जो एक अगर दिखेगा, जैसे सी और डी अपोजिट है आपस में, ठीक है, सी और डी आपस में, अगर सी दिखेगा मेरा तो डी नहीं दिखेगा, अगर डी दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा। उसी तरह बी और ई में क्या है, बी और एफ अपोजिट है एक दूसरे के, तो अगर किसी फलक पे बी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखेगा, और एफ दिखेगा तो बी मेरा नहीं दिखेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में, ए है, ई है, एफ है, ठीक है। तो चूंकि ए और ई जो आपस में अपोजिट है, तो अगर इन दोनों में से ए और ई आपस में अपोजिट है तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, लेकिन हम पहले में देख रहे हैं कि ए भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखें तो सी डी एफ है, ठीक है, सी डी एफ फलक है, तो सी और डी आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है, यहाँ भी दोनों दिख रहा है, इसलिए ये भी मेरा गलत है। फिर अगर ऑप्शन नंबर सी में जाएं तो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ए बी डी, ये तीनों अगल बगल है, तो ये तीनों अगल बगल वाला देख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो सकता है।
और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें ए डी सी है, और यहाँ देख रहे हैं ए डी सी है, ठीक है, ए है, डी है और सी है। सी और डी चूँकि आपस में अपोजिट है इसलिए दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में सी और डी दोनों दिख रहा है इसलिए ये नहीं है। तो यहाँ मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा क्या है वो करेक्ट है, कि केवल सी ही मेरा ये फलक जो है ओपन डाइस से हम केवल ऑप्शन नंबर सी का जो डाइस है वो बना सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 16 है, 16 भगा 4 जैसे है तो इसको लिखा जाता है 74। तो कैसे लिखा गया है, तो पहले क्या किया गया है कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया, ऐड करके यहाँ लिखा गया है, और 16 को डिवाइड दे देते हैं 4 से, जो 4 चौक 16 हो जाता है, 4 को यहाँ लिख दिया गया है। इसी तरह 21 है और कितना है भागा है, 21 भागा 7 हो गया, ठीक है। 21 भागा 7 में क्या चीज़ है कि पहले इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया गया, 21 को 7 से डिवाइड कर दिया गया है तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। उसी तरह है 81 है भागा 9 है तो पहले इन दोनों को ऐड करके इधर 9 लिख दिया गया और 81 को 9 टाइम्स भाग दे के यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। फिर मेरा क्या है, उसी तरह 55 डिवाइड 5 कहा गया है तो पहले इन दोनों को क्या है ऐड कर लिया गया, तो 10 और डिवाइड देंगे तो 55 डिवाइड बाई 5 हो गया 11, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल बेस्ड है और इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 13 है और फिर 109 है, तो उसी तरह मेरा ये एनालॉजी बेस्ड प्रॉब्लम है, जिस तरह ये इससे रिलेटेड है उसी तरह सेम रिलेशन 25 और इसमें होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 104 आ जाएगा, प्लस 5 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 105 प्लस 104 प्लस 5 109। तो सेम करेंगे इसमें भी, 25 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड कर देंगे। तो अगर 25 इंटू 8 200, यानी इसको 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं अगर दूसरे तरीके से करना चाहें मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 4 कितना हो गया 100 इंटू 2 200 एंड 25 इंटू 8 200 और प्लस 5 तो 205। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में कितना होना चाहिए 205 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें कह रहा है कि किसी कोड स्कीम को ध्यान में रखते हुए एक दुकानदार लक्स सोप का मूल्य 108 रखता है। तो ये क्या है, कोड दिया गया है जिसमें लक्स सोप है, लक्स है LUXSOAP, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, इसका वैल्यू हो गया 12, पोजीशन वैल्यू 21, ये हो गया 24, ये हो गया 19 और ओ का हो गया 15 प्लस ए का हो गया 1 प्लस 16, इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सभी को अगर पोजीशंस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 4 हो गया 7 और 9 16 प्लस 5 हो गया 21 और ये हो गया 22 और 6 28 का 8 हाथ में रहा 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 1 4 5 टू 7 टू 9 प्लस 1 हो गया 10। तो अगर सही पोजीशंस को ऐड कर दिए तो 108 वही कोड दिया गया उसका मूल्य के रूप में 108 रुपया। तो उसी तरह कॉर्नफ्लेक्स का क्या होगा, सेम पोजीशन में कॉर्नफ्लेक्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स FLEX, तो अगर ये हो गया 3 और इसका प्लस हो गया ओ का हो गया 15 प्लस 18 प्लस 14 और प्लस फ्लेक्स का कितना ऐड करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 24। तो आप देखो 3 प्लस 5 8, 8 और 8 16 और 20 26 28 प्लस 5 33 प्लस 1 4 33 37 का 7 हैंड में कितना रहा 3 रहा, 3 टू 5 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 प्लस 1 7, 1 हो गया 8, 1 हो गया 9, तो ये 97 हो गया, ठीक है। तो ये 97 इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, 97 इज़ द करेक्ट आंसर।